नमस्कार, डबल ट्रेट विद सुतापा में सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी फिश कोरमा, जो कोई भी बंगाली सेरेमनी का जान होता है, चाहे वो मैरिज सेरेमनी हो या घर का कोई स्पेशल छोटा मोटा सेरेमनी हो, फिश कोरमा तो बनना ही चाहिए। आज मैंने बड़ा साइज का रहू ले लिया है और उसको एक टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च के साथ मैरिनेट करके 5-10 मिनट तक रख देंगे। फिश के ऊपर अच्छे से मसाले का कोट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक कढ़ाई में मैं 100 ग्राम्स मस्टर्ड ऑयल ले लूँगी और उसको बहुत अच्छी तरह से मैं गरम कर लूँगी। फिर मैं इसमें प्याज को बहुत अच्छी तरह से काट के इसको मैं डाल दूँगी और एकदम ब्राउन होने तक इसको फ्राई करते जाऊँगी। मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है, एक बड़ा साइज़ का प्याज या 2 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए होगा, और प्याज को एकदम हाई हीट में हमें लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है। और ऑलवेज मैं प्याज फ्राई करने के टाइम एक टीस्पून नमक डाल देती हूँ, जिसके ये बहुत जल्दी प्याज फ्राई हो जाता है। कोई भी बंगाली फिश करी जनरली मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है, पर ये वाला फिश आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ रेसिपी है जो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, पर मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। इस तरह से प्याज को ब्राउन कर लेना है और इसको हम अलग रख देंगे। अब इसे तेल में हमें फिश को फ्राई कर लेना है। अब फिश को कितना फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा करना है कि हल्का फ्राई करना है, ये टोटली आपके टेस्ट के ऊपर है। मैं जनरली थोड़ा सा ज़्यादा फिश को फ्राई करना पसंद करती हूँ। अब फिश को ऐसे दोनों साइड से बढ़िया तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। अब एक बोल में मैंने 4-5 काजू, 7-8 आमंड और 1 टेबलस्पून मेलन सीड को 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। अब एक ग्राइंडर जार में पहले हमने वो फ्राइड अनियन ले लेना है, फिर इसमें 10-15 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक और स्वाद अनुसार हरी मिर्च डाल देना है, और इन सब को 2 टेबलस्पून भर के दही के साथ मिला के एक स्मूथ फाइन पेस्ट हमें बना लेना है, और साथ में जितने भी नट्स भी हमने भिगो के रखे थे वो भी डाल देना है। अब उसी तेल में पहले हम होल गरम मसाले डालेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची और 4-5 लौंग। फिर इसके अंदर हमें स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर पहले ही डाल देना है, इससे जो कोरमा बनेगा उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम प्याज वाला पेस्ट को ऐड कर देंगे, पर इस पेस्ट को हमें थोड़ी देर के लिए पका लेना है, क्योंकि इस पेस्ट में खाली प्याज ही है जो कुक्ड है, बाकी सब कुछ रॉ है। तो पहले हमें विदाउट लिड 2-3 मिनट एकदम लो हीट में इसको सौते कर लेना है। फिर जो ग्राइंडर जार में थोड़ा सा मसाला अभी भी लगा हुआ है उसमें हल्का सा पानी डालना है, 1/2 कप से भी कम। उस पानी से वो ग्राइंडर जार को कंघाल के उसी पानी को ऐड कर देंगे, फिर लिड लगा के एकदम लो हीट में 7-8 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। 7-8 मिनट पकाने के बाद ये देखिए इतना बढ़िया सा तेल उजाउट होके आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे, 250 ml पानी हम बहुत है, क्योंकि ये फिश कोरमा एकदम बहुत पतला तरी वाला नहीं होता है, थोड़ा सा थिक ग्रेवी बनता है इसका। अब इसके अंदर हम फिश के पीसेस ऐड कर देंगे। आज मैंने इस फिश कोरमा को रहू से बनाया, पर ये कातला या कोई भी फिश से आराम से बन जाएगा।
कुछ होल हरी मिर्च डाल दिया, लाल रंग का था इसलिए मैंने और भी डाला कि कलरफुल लगेगा। अब इसको लिड लगा के हमें 5-6 मिनट तक और लो हीट में पका लेना है। 5-6 मिनट के बाद हम ऊपर से गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और इसको ढक के 10 मिनट रख देंगे सर्व करने से पहले। फिश कोरमा प्लेन राइस या पुलाव के साथ बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगा ये रेसिपी बताइए मुझे और जुड़े रहिए मेरे चैनल के।